Hello students, I am Ayaz Parmar from AMRS Indore. Today we will study a lesson in English, class 9. It's your supplementary reader in English for class 9, Moments. It's the last chapter of this textbook, chapter 10. Okay? And a chapter is the beggar. इसमें थोड़ा सा हम प्री माइंड मैप तैयार करें तो देखते हैं कि जो इसमें एक भिखारी होता है वो एक जो लॉयर एडवोकेट होते हैं ना उनको रोकता है और उनको कुछ देने के लिए कहता है कि मैं भूखा हूँ और मुझे कुछ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए. ओके, ये फिर उनको कुछ देते हैं नहीं और इसको ले जाते अपने घर काम पर रखते हैं. और इनकी जो एक कुक होती है, ओके, तो वो कुक जो है इसको हेल्प करती है. इसको काम पर रखा जाता है तो जैसे कि उनके यहाँ जो ले गए थे एडवोकेट अपने घर, तो लकड़ी काटने के लिए जो जलाने के लिए होती है ना घर में, एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये रशिया में जो है, रशिया बेस पर है, मतलब रशिया कंट्री जो है ना उसमें लिखी गई, तो वहाँ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ के जो स्थिति होती है उसके अनुसार इसको, इस स्टोरी को लिखा गया है. तो ये है रशिया बेस पर, और जो रशिया की एक कोई जगह है वहाँ का इसमें उल्लेख भी किया गया है. तो रशिया में काफ़ी ठंड रहती है, तो वहाँ पे गर्म रखने के, घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी जलाई जाती है, तो वहाँ ये ले जाते हैं वकील इनके घर और उसको काम के लिए बोलते हैं. पर वो क्या है कि ये जो इसमें जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मतलब शराब पीने का आदि होता है, तो कमज़ोर हो गया तो लकड़ी नहीं काट पाता. तो उनकी जो कुक है वो उसकी हेल्प करती हैं, जैसे कि एक मदर नहीं हेल्प करती है अपने बच्चों को, ऐसा उसको हेल्प करती और डांटती भी है. तो और फिर वो सुधर जाता है, ये उसका स्टोरी में कुल मिला के ये है इसमें. तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो चैप्टर है हमारा चैप्टर 10, द बेगर. बेगर मीन्स भिखारी. ओके, व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर, इंड्यूस मतलब अर्ज करना है ना, प्रेरित करते हैं ना जिसको, वो बात इसमें कही है. व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर है ना, आज अगर हम ये कहें व्हाट आज द बेगर लश्कॉफ है इसका नाम, लश्कॉफ टू चेंज हिज वेज. ठीक है, उसको ऐसी कौन सी चीज है इसको प्रेरित किया लश्कॉफ को कि उसकी जो है वो वे है उसका जो रास्ता ही उसका बदल गया, चेंज हिज वे. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. आइए हम इसमें पढ़ते हैं और ढूंढ निकालते हैं क्या वो क्या है ऐसा. ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं द बेगर की स्टोरी है. ओके, स्टार्ट करें तो हम ये स्टार्ट होती है काइंड सर हैव पीटी. पीटी मीन्स होता है दया करना. किसे टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर. पुअर मतलब एक गरीब, हंग्री मैन, हंग्री भूखा है बेचारा, क्योंकि उससे रिक्वेस्ट करा. फॉर थ्री डेज आई हैव हैड नथिंग टू ईट. आई हैवन फाइव कॉप. देखिए यहाँ पर फाइव कॉप्स लिखा हुआ ना, फाइव कॉप्स फॉर अ लॉजिंग. देखिए ये फाइव कॉप्स ये कह रहा है कि मेरे पास पांच कॉप्स भी नहीं. कॉप्स में हम अगर कंपेयर करें कि रशियन कंट्रीज में होता है क्या, रशियन करेंसी है ये एक तरह की, तो हमारे यहाँ जो होता है 100 पैसे के बराबर 1 रुपया होता है, तो वैसे ही वहाँ कॉप्स होता है. ओके, हमारे यहाँ पैसे वहाँ पर कॉप्स है.
तो एक सो कॉप्स 1 रूबल, 1 रूबल होता, और हमारे यहाँ 100 पैसा जो होता है वो 1 रुपया होता है। तो ये हम अगर इंडिया से वहाँ की करेंसी को कंपेयर करें तो ये आपको समझने में ठीक रहेगा। तो ये कह रहा है कि मेरे पास 5 कॉप्स भी नहीं है, काय के लिए लॉजिंग, लॉजिंग मतलब कहीं रुकने के लिए, कहीं रह, है ना, क्योंकि ये भिखारी है। आई स्वेयर, स्वेयर मतलब ये कसम खा के कहता, आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, फॉर 8 ईयर आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस माई प्लेस थ्रू इंटीग्रेस। देखिए ये कह रहा है यहाँ पर कि मैं जो है 8 वर्ष जो है, फॉर 8 ईयर्स आई वॉज ए, है ना, आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल टीचर था 8 वर्ष तक, एंड आई लॉस माई प्लेस मतलब मैंने अपनी जो ये है जगह जो है ना, इंटीग्रेस, एंट्री, इंटीग्रेस का मतलब यहाँ पर है बेड प्लान, है ना, बेड प्लान हम कह सकते हैं इसको, कि मैंने ये जो अपनी जो जॉब है ये खो दी, अपने बेड प्लान्स, ये जो बेड प्लान्स होते हैं ना, कोई बेड प्लान कर ले आपके लिए, इसके कारण मैंने ये जॉब खो दी है। तो इन्होंने ऐसा कहा इनको, जिससे भी मांग रहा, कि मैं 8 वर्ष तक गांव में, एक गांव के स्कूल में टीचर था, और बेड प्लान्स के कारण ये जो है लॉस में मैंने कर दी है मेरी जॉब को। आई फेल अ विक्टिम टू कैलमन, कैलमनी मतलब निंदा करना होता है, जिसको हम कैलमनी होता है मतलब किसी की निंदा, निंदा के कारण, ओके okay? तो उन्होंने आई फेल विक्टिम टू कैलमनी, निंदा जिसको हम कह सकते हैं, इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हेड एनीथिंग टू डू, मतलब ये कह रहे कि 1 वर्ष हो गया है मेरे पास करने को कुछ नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। अब द एडवोकेट, एडवोकेट है ओके, इनका जो भिखारी है उसका नाम लश्कॉफ है, और ये है एडवोकेट, एडवोकेट सर्जई, इनका नाम है सर्जई। लुक्ड एट द रेज, रेस्ट, रेस्ट मतलब जो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है ना उसको, तो वर्न आउट क्लॉथ है हम ये भी कह सकते हैं, उसकी तरफ देखा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इस भीख मांग रहा था इनसे। फॉन कलर्ड, फॉन मतलब हिरन का बच्चे के कलर जैसा, है ना, फॉन कलर, फॉन आपने, हमने पढ़ा ही था एक चैप्टर में, फॉन, फॉन कलर्ड ओवर कोट ऑफ द सप्लियंट, तो सप्लियंट जो है यहाँ प्रार्थना करने वाला, जो ये कैसा है, कैसे कलर, हिरण के बच्चे के जैसे रंग का ओवर कोट है वो सप्लीमेंट, यहाँ इसका मतलब है जो प्रार्थना कर रहा है ना, प्रार्थना कौन कर रहा है यहाँ, यहाँ कर रहा है भिखारी, बेगर, लश्कॉप जिसका नाम है लश्कॉप, ओके, एट हिज डल, है ना, उन्होंने देखा उसकी तरफ, तो कैसा है वो, एट हिज डल ड्रंकन आइस, ड्रंकन आइस मतलब डल है उसकी आंखें, जो कैसी है, सुस्त है, ड्रंकन आइस है, जैसे कि शराब पिया हुआ व्यक्ति की आंखें होती है ना वैसी, तो ये शराब पिया हुआ व्यक्ति की तरह इसकी आंखें है, डल है, और शराबी आंखें होती हैं, शराबी की कैसी आंखें होती है वैसी दिखाई दे रही है। उन्होंने सर्जे एडवोकेट ने उसकी तरफ देखा, एट द रेड स्पॉट ऑन इधर चिक मतलब दोनों ही गाल पर उसके रेड चिक मतलब रेड स्पॉट्स है, रेड स्पॉट मतलब धब्बे हैं उसके गाल पे, लाल लाल दोनों गाल पर, तो जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं ना ये ऐसे दिखाई देते हैं। इसमें ये देखिए, इसमें इसमें ये कहा कि आप कभी कोई शराबी व्यक्ति होता है ना शराब पीने का आदि, तो उसके गाल पे भी ऐसे रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, उसके होंठ पे भी बन जाते हैं ऐसे, और उसकी आंखें कैसी रहती, सुस्त सुस्त रहती है, और बिल्कुल ड्रंकन आइज हो, ड्रंकन आइज होती है, ड्रंकन आइज होती है। आपकी क्लास है ऑनलाइन बेटा। तो ऐसा उन्होंने देखा, एंड इट सीम टू हिम एस इफ ही हैड सीन हिज मैन समवेयर बिफोर,
तो उन्होंने ऐसा देखा उसको, तो उनको ऐसा लगा कि इसको कहीं मैंने देखा है, जो एडवोकेट है ना सर्जी, उनको ऐसा लगा। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कालूगा। कालूगा देखिए यहाँ ये जो है, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर, देखिए अब ये भिखारी उनको कह रहा कि मैं ऑफर ऑफ ऑफर है इसको, ऑफ अ पोजिशन, पोजिशन मीन्स जॉब का एक मुझे ऑफर ऑफर था इन द प्रोविंस ऑफ, प्रोविंस का मतलब है यहाँ पर जो राज्य होता है ना, तो ये रशिया कंट्री है, वहाँ की बात कर रही, कालूगा, प्रोविंस ऑफ कालूगा, प्रोविंस एक राज्य है उसमें कालूगा स्थान है, वहाँ पर मेरे पास जॉब ऑफर था का कह रहा है। द मेडिकेंट वेंट ऑन, तो द मेडिकेंट मतलब जो है वो मेडिकेंट यहाँ पर जो बेगर है, वेंट ऑन मतलब वो वहाँ जाना चाहता है पर कैसे जाए, है ना, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, हेल्प मी काइंडली। ओके, तो ये कह रहा बट आई हैवंट द मनी, मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं, आई एम अशर्म्ड टू आस, मैं मुझे ये बोल मांगते हुए शर्म आई, बट क्या करें, आई एम ऑब्लाइज टू बाय सरकमस्टेंस। तो ऑब्लाइज का मतलब होता है यहाँ पर कंपेल्ड, मतलब फोर्स करना एक तरह से। ओके, बाय सरकमस्टेंस मतलब, सरकमस्टेंस का मतलब है कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन से, बाय सिचुएशन भी कह सकते हैं हम ऐसा। तो भिखारी उनको एडवोकेट सर्जय से ये बात कहता है, सर्जय आइस फेल ऑन मैन आवर शूज, वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर द अदर लो। देखिए तो सर्जय ने जब उसके देखा उस व्यक्ति पर, और उस उनकी निगाह कहाँ पर पड़ी, उसके शूज पर, शूज पर, तो उसमें से वन ऑफ विच वॉज हाई, एक जूता तो ऊंची हील वाला है और दूसरा जो है लो है ना, हील वाला मतलब ऐसा है, उनको दिखा। एंड ही सडनली रिमेम्बर समथिंग, और उनको अचानक ही कुछ याद आया, लुक हियर इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सेरोविया स्ट्रीट। तो उन्होंने कहा कि इधर देखो है ना, हम कहीं मिले हैं डे बिफोर यस्टरडे सेदोविया स्ट्रीट, सेदोविया स्ट्रीट ही सेड, सर्जय ने, एडवोकेट सर्जय ने उसको कहा, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेम्बर। तो देखिए इन्होंने फिर वो पहचान लिया, क्योंकि ये डे बिफोर यस्टरडे इन्होंने कहाँ देखा था इनको, इस भिखारी को, सदोविया स्ट्रीट पर। तो उन्होंने ये उसको कहा कि पर तुमने तो तब मुझे ये कहा था कि तुम एक स्कूल के छात्र हो, स्टूडेंट हो, और तुम्हें क्या कर दिया गया है जो है बाहर निकाल, एक्सपेल का मतलब यहाँ पर है, हैड बीन एक्सपेल मतलब तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, हैड बीन एक्सपेल मतलब बाहर निकाल दिया गया, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, तो तुम स्कूल टीचर नहीं हो, डू यू रिमेम्बर, तुम क्या, तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, ऐसा एडवोकेट सर्जे ने इसको पूछ लिया। तो ये थोड़ा क्योंकि ये झूठ बोल रहा था तो घबरा गया थोड़ा सा, तो भिखारी डर कर बड़बड़ाया, मतलब न न न दिस कॉन्ट बी सो, मंबल मंबल मतलब, तो जैसे हम धीरे धीरे फुसफुसाते ना, बड़बड़ाते हुए बोलते, तो मंबल द बेगर, बेगर ऐसा बड़बड़ाते हुए फुसफुसाते हुए बोला, टेकन बेक अमेज करना, जिसको हम ये कह सकते हैं अमेज करना, अमेज मतलब आश्चर्य करना, टेकन बेक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर। तो उनको सर्जरी को, एडवोकेट सर्जरी को ये कहता कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, और इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर हैव डन विथ लाइंग, कि
कितना झूठ बोलोगे तुम? यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट, इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड, है ना, जैसे कहा था ना कि बाहर निकाल दिया फॉर एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेम्बर? सजय फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रेस कैचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, है ना, बहुत ही मतलब किसी से अपन बहुत ज़्यादा नाराज हो जाए तो बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं ना, तो ऐसा ऐसा करते हो गुस्सा। फ्लश्ड सर्जय फ्लश्ड का मतलब है गुस्से से लाल हो जाना, क्योंकि झूठ बोल रहा था भिखारी उनको कि मैं तो स्कूल टीचर था, और दो उन्होंने पहले उसको बोला था कि मैं तो स्कूल का छात्र हूँ और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, तो ये इस बात को लेकर सर्जय फ्लश्ड मतलब गुस्से से लाल हो गए, तो और वहाँ से वो जो रेक्स क्रेचर मतलब वो भिखारी की बात कर रहे हैं, विथ एन एक्सपीरियंस ऑफ डिस्गस्ट, तो टर्न फ्रॉम, वहाँ से टर्न फ्रॉम हो गए। देखिए फिर क्या होता है आगे, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, तो ये भिखारी उनसे कहता है दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, तो ही क्राइड एंग्री, है ना, वो गुस्से से चिल्ला, दिस इज सिंग, देखिए स्विंगलिंग मतलब होता है, उन्होंने ऐसा कहा दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ऐसा सर्जय ने जो है उनको उस भिखारी को कहा कि यह तो डिसऑनेस्टी है माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, वो जो उस पर चिल्लाए नाराज होकर, दिस इज क्या है, यह क्या है, स्विंडलिंग है, स्विंडलिंग का मतलब होता है हम ये कहें डिसेविंग मतलब धोखा देना है एक तरह से, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, डैम हम एक तरह की गाली होती है ना, तो ऐसा उसको कहा कि आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, तुम मैं पुलिस भेज दूंगा तुम्हारे लिए, डैम यू, ऐसा उसको नाराज होकर भिखारी को उन्होंने सर्जय ने इसको कहा। सर ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, देखिए अब वो भिखारी कहता है कि उसके दिल पे हाथ रखते हुए ये बोलता है द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था, आई एम नीदर अ स्टूडेंट ना अ स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट और ना ही स्कूल टीचर हूँ, ऑल दैट वॉज फिक्शन, ऑल दैट वॉज मतलब ये सब क्या थी, फिक्शन थी, एक झूठी कहानी थी, है ना, काल्पनिक जिसको हम कहते हैं काल्पनिक कथा थी, ये सब झूठ था, फॉर्मली मतलब आई संग इन अ रशियन कॉर एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, तो फॉर्मली का मतलब पहले मैं क्या था, आई संग इन अ रशियन कॉर, रशियन कॉर ये क्या है, संग मतलब गाना होता है ना, गाना होता, रशियन कॉर एक वो होता गायक मंडल होता, गाने वाले लोगों का एक ग्रुप होता है जिसको आप बैंड कह सकते हैं ना, तो एक गायक मंडल में था ये, वो ये क्या करता था, गाता था, तो उसमें रशियन कॉर में, एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, तो मुझे शराब अधिक पीने के कारण क्या कर, ड्रंकनेस के कारण क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था, बट वाट एल्स कैन आई डू, आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, तो अब ये कह रहा कि बट वाट एल्स कैन आई डू, ऐसा कहता है सर्जय को, आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, तो बिना झूठ बोले मैं कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता, नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, वाट कैन आई डू, तो ऐसा कहता कि जब मैं सही बोलूँगा तो मुझे कोई कुछ नहीं देगा, तो मैं क्या करूँगा, तो ऐसा सर्जय से एडवोकेट सर्जय से ये भिखारी कहता है। अब देखिए फिर क्या होता है, व्हाट कैन यू डू, सर्जय ऐसा उसको है ना, एडवोकेट सर्जय उनको कहता है भिखारी से, व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू,
क्राइड सर्जय, है ना, सर्जय उस पर चिल्लाते हुए ऐसा उन्होंने पूछा। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास जाते हुए, वर्क दैट्स वाट यू कैन डू, काम जो तुम कर सकते हो, यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। वर्क यस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, ऐसा सहजय से पूछता कि मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ काम। तो हाउ वुड यू लाइक टू कॉप वुड फॉर मी, मतलब फिर सहजय ने इसको पूछा कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे। तो देखिए सहजय ने इसको एक तरह से काम के लिए ऑफर दिया। ओके आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट बट इन दिस डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। अब ये कहता है कि जो स्किल्ड, मतलब स्किल्ड है ना कुशल, ये कह रहा है कि कुशल लकड़ी काटने वाले को भी काम नहीं मिलता है। तो विल यू कम एंड कॉप वुड फॉर मी, फिर इन्होंने पूछा उसको। यस सर आई विल, तो ये तैयार हो गया। वेरी वेल वेल सून फाइंड आउट, तो हमें पता चल जाएगा कि तुम कितने इच्छुक हो काम करने के लिए, ऐसा सहजय ने इसको कहा। ठीक है वेरी वेल वेल वी विल सून फाइंड आउट, है ना, ऐसा इसको कहा। सहजय हैस्टन मतलब हरीड अप, जल्दी से क्या करते हैं अलोंग, रबिंग हिज, क्योंकि ठंड है ना वहाँ पर, तो इसलिए वो अपने हाथ रगड़ते हुए ही कॉल हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उन्होंने अपने जो कुक है उसको बुलाया बाहर किचन के। हेयर ओल्गा, ओल्गा क्या नाम है उनकी कुक का, ओल्गा, ओके ओल्गा उनकी कुक का नाम। ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम कॉप वुड, है ना, इसको लेके जाओ वुड शेड में और इसको लकड़ी काटने के लिए दो। तो देखिए फिर क्या होता है, द स्केयरक्रो ऑफ अ बेगर स्लज्ड हिज शोल्डर्स। देखिए स्केयरक्रो आपने कभी कभी देखा होगा कि खेत में जो चिड़ियों को भगाने के लिए एक मानव का पुतला ऐसा रख देते हैं ताकि चिड़िया डर के भाग जाए उससे और वहाँ नुकसान नहीं पहुँचाए फसल को। इसके क्रॉप बैगर मतलब जो बैगर है ना उसके जैसा दिखाई दे रहा था। सर्ज्ड हिज शोल्डर मतलब उसके शोल्डर्स को पीछे खींचते हुए जो है वो पुल बैक हिज शोल्डर एज इफ इन परप्लेक्सिटी मतलब कंफ्यूज है एक तरह से वो है, क्योंकि वो जो है काफ़ी वीक है और कैसे लकड़ी काटेगा, तो अभी क्या है वो परप्लेक्सिटी में है। परप्लेक्सिटी मतलब पजल है उसके दिमाग में, ऐसा चल रहा कंफ्यूज है वो पूरी तरह से अभी। एंड वेंट इरेजोल्यूटली का मतलब हेजिटेंटली, जिसको हिचकिचाते हुए भी हम कह सकते हैं, हिचकिचाते हुए आफ्टर द कुक जो है। इट वॉज ऑबियस मतलब ये ऑबियस मतलब क्लियर फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड कॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड। देखिए क्योंकि ये अपने खुद के जो कहे गए शब्द में फंस गया था इसलिए उसने मजबूरन हाँ करी, लेकिन ये एक्चुअली इसकी इच्छा नहीं थी। ओके क्या नहीं थी, इसकी इच्छा नहीं थी। ये फिर क्या हुआ कि गेट का मतलब यहाँ पर होता है वॉक करना, है ना, इस वर्ड को हम यदि वॉक कहें तो वॉक मतलब फ्रॉम हिज वॉक दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड मतलब नॉट एग्री भी कह सकते हैं, एग्रीड है ना, कंसेंटेड मतलब एग्रीड, वो एग्रीड नहीं था काय के लिए, लकड़ी काटने के लिए, पर क्या है ना, ही वॉज हंग्री
एंड वांटेड वर्क, वो भूखा था और काम चाहता था। तो देखिए फिर क्या, वो यह क्या है कि उसके पास गया, उसको लेके गए और जो है वो उसके ही शब्दों में फंस गया था, ऐसा झूठ बोल के उसने हाँ कर दी थी, क्योंकि एडवोकेट सर्जरी से इसने जो बात की थी उसके ही वर्ड में फंस गया था, उसने हाँ करी थी काटने के लिए, तो अब उसके शब्दों में फंस गया था ये। इट वॉज ऑब्वियस, देखिए इट वॉज ऑब्वियस मतलब यहाँ पर क्लियर है, इट वॉज यह इट ऑब्वियस को हम वर्ड कहें क्लियर, टू दैट हिज स्ट्रेंथ मतलब जो होती है ना आपकी जो ताकत जिसको कह सकते हैं, हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड मतलब वीकेंड है ना, वीक हम वीकेंड भी कह सकते हैं, क्या था उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो क्या थी, वीकेंड थी, अंडरमाइंड बाय वोदका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट, मतलब वह जो है द लीस्ट जो छोटा सा छोटा काम है वो भी नहीं कर सकता था, करने का इच्छुक नहीं था। इंक्लिनेशन मतलब विलिंगनेस जिसको हम कह सकते हैं, इसको क्या हम हाईलाइट कर दें, इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, तो इंक्लिनेशन उसके लिए, टॉयल मतलब हार्ड वर्क भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल भी उसको विलिंगनेस नहीं थी काय के लिए, फॉर टॉयल, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, ओके। तो ये कह रहा था क्यों का क्यों क्यों था ऐसा, वो क्यों इसकी इतना कमज़ोर क्यों था, ये इतना कमज़ोर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अंडरमाइन था, वीकेंड था, बिल्कुल बिल्कुल इतना क्यों था, वीकेंड बाय वोद का, वोद का आपने गाना सुना होगा, उसका किसका है वो गाना, हनी यो हनी सिंह का चार बोतल वोदका, वोदका होती है ना एक लिकर होता है, एल्कोहल वाला होता है, तो ये रशिया में खूब पिया जाता है क्योंकि ठंडा प्रदेश है, तो ये एक प्रकार की शराब है, तो शराब के कारण बहुत अनहेल्दी हो गया था, कमज़ोर था ये है ना, तो अनविलिंगनेस था, तो विलिंगनेस तो उसका था ही नहीं काय में, जो टॉयल में, फॉर टॉयल हार्ड वर्क के लिए, तो छोटे से छोटे काम के लिए भी उसमें विलिंगनेस नहीं थी। अब सर्जे हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, ठीक है डाइनिंग रूम में चले गए, फ्रॉम ए विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, तो ये वहाँ से उस विंडो से जो है देख सकते थे कहाँ पर जो है वुड शेड में, क्योंकि वहाँ पर क्या कर चल रहा है ये सब देख सकता था, देख सकते थे वहाँ से। स्टैंडिंग एट द विंडो सर्जे सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डैटी स्नो टू द शेड, क्योंकि स्नो वहाँ पे बर्फ भी गिरती है ना, तो उन्होंने वो साफ किया, वो वहाँ से देख रहे थे विंडो से सजे उसमें वुड शेड में, तो ओल्गा ग्लैड ब्रेथफुली एट हर कंपेनियन, हर कंपेनियन मतलब उसके साथ काम करने वाला था ये, तो ओल्गा जो है उनकी कुक है ना, उन्होंने ग्लैड मतलब होता है लुक्ड क्लीनली मतलब घूर कर देखते हुए, गुस्से से देखते हुए, ठीक है ग्लैड का मतलब ब्रेथफुली गुस्से से देखते हुए, ग्लैड मतलब उसकी तरफ घूरते हुए देखा गुस्से से, एट द कंपेनियन एट हर कंपेनियन, क्योंकि उसके साथ काम करना, शोर हिम असाइड, शोर का मतलब होता है शोर्ड, इसका मतलब ये होता है कि उसको पुश करते हुए, कैसे रफली पुश करते हुए है ना, जैसे धक्का मार के नहीं, एक साइड करते असाइड भी था हर एल्बो, अनलॉक द शेड, उसने वो जो शेड था लॉक था उसको अनलॉक किया एंड एंग्रीली बैंस्ड द डोर, है ना एंग्रीली मतलब गुस्से से उसको क्या करा, बैंस्ड का मतलब पुल द डोर, ओके गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। देखिए यहाँ पर हम आपको पिक दिखा रहे हैं, यह है ओल्गा और यह है
क्या वो जो जिसको काम करने के लिए बेघर है ना, उसको लेकर आए थे यहाँ बेघर को, इसका नाम है लश्कॉप, ओके, और ये एडवोकेट सरजई, ओके। तो ये हम, ये क्या है, इनके हाथ में एक्स है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप, लकड़ी काटने के लिए एक्स है, और ये क्या है, लकड़ी के टुकड़े हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको ये, क्योंकि वुड शेड में गए ना इसको लेके, ये गया था यहाँ, ओके। तो आपने ये चीज़ें तो देख ली यहाँ पर, अब हम आगे इसको देखते हैं, रीड करते हैं। नेक्स्ट, ही सॉ द शैडो टीचर, है ना, देखिए इसने फिर यहाँ पर वर्ड यूज़ करा, अनरियल टीचर, जिसको हम नेक्स्ट, ही सॉ द शैडो टीचर, मतलब एक झूठा टीचर, जिसको हम अनरियल टीचर भी कह सकते हैं, सिट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विथ हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फेस। देखिए उसके जो हाथ है वो जो है ना, वहाँ कहाँ रखा हुआ है, गाल पर रखे हुए, वो क्या करता है, जिसको लॉग, लॉग यहाँ पर लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं ना, उसको लॉग कहा गया है ना, लॉग जो लकड़ी के टुकड़े हमने अभी पीक में देखे वो वाले, सेट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग एंड बिकम लॉस्ट हे इन थॉट विथ हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। रेस्टिंग मतलब यहाँ पर जो हो जाता है ना, क्या जिसको हम कहते हैं, उसके गाल पे हाथ रखे हुए बैठ गया वहाँ, द वुमन फ्लग फ्लग डाउन एन एक्स एट हिज फीट स्पेट एंग्रीली। देखिए अब वो जो वुमन है ना, ये महिला है, इसकी यहाँ पे जो कुक है वो क्या करा, द वुमन फ्लग फ्लग का फ्लंग, फ्लंग का मतलब हो गया थ्रू, यानी कुल्हाड़ी उसके सामने उसको फेंक कर दी, ठीक है, हिज फीट उसके पाँव के पास, एंड स्पैट एंग्रीली, और वो एक तरह वैसे थूकते हो जैसे नाराज होके नहीं थूक देते कि साइड में हम, ऐसा स्पैट मतलब थूकना, स्पैट एंग्रीली, और एक तरफ उस थूक दिया, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगन टू स्कॉल हिम। देखो जज करना मतलब उसकी तरफ देखा, जज किया उसके लिप्स को, किसके, बेगर के, और क्या करा, बिगन टू स्कॉल्ड हिम, स्कॉल्ड मतलब डांटना प्रारंभ कर दिया उसको, क्योंकि उसको देख के वो समझ गई थी कि ये तो शराबी है ना, उसके लिप्स भी ऐसे, क्योंकि जो शराब पीने वाले के जो लिप्स है वो कैसे हो जाते हैं, उस पर भी रेड स्पॉट हो जाता है, तो ऐसा उसने भी जज कर लिया। द बेगर इरिजोल्युटली पुल अ बीट, देखिए बी बीट बेलेट को हम ये कहें कि टुकड़ा, जो लकड़ी का टुकड़ा है ना वो, तो बिना निश्चय किए जो बेगर है, इरेजुलेटली का मतलब बिना निश्चय किए उसने क्या करा, पुल अ बिलेट बिलेट लकड़ी का टुकड़ा ऑफ वुड टूवर्ड हिम, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, उसके पाँव के बीच में उसने रखा, एंड टैप इट फेवली फेवली विद द एक्स। फेबली मतलब टेप्ड का मतलब होता है, हम धीरे से मारते हैं ना किसी लकड़ी के टुकड़े पर, ऐसा टेप करना, इट फेबली मतलब बहुत ही कमजोर व्यक्ति होता है ना, जो जो लकड़ी काटने लगे तो कैसा लगता है, तो धीरे से मारा उस पर, तो कुल्हाड़ी उसने धीरे से मारी उस टुकड़े पर, द ब्लेड मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा है, वेवर्ड वेवर्ड मतलब हिल गया और शॉक हो गया, एंड फेल डाउन, और वो लकड़ी का टुकड़ा उसके पाँव के वहाँ से फिर गिर गया दूसरी तरफ, द बेगर अगेन पुल इट टू हिम बिल ब्लेयर ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड। उसे फ्रीजिंग हैंड क्यों, क्योंकि वहाँ ठंड है काफ़ी, उसके हाथ जो है बहुत ठंडे हो गए थे, ठंड काफ़ी ठंड होती है ना रशिया में, इसलिए, एंड टेब इट विथ हिज एक्स कॉशियसली, कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक, कॉशो तो सावधानी पूर्वक, कॉशियसली सावधानी पूर्वक उसने उस पर फिर से कुल्हाड़ी मारी, एज एज इफ अफ्रेड
of hitting his overshoe or of cutting off his फिंगर, क्योंकि वो डर भी रहा था कि कहीं ऐसा ना कि जो उसके शूज में या उसकी उंगली इससे कट जाए. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो फिर से गिर गया जमीन पर. सज एंग हैड वनिस्ट एंड ही नाउ बिगन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड ashamed of himself for having set a spoiled drunken perhaps sick man to work at manual labor in the cold. देखिए जो सर्जरी थे वो तो वहाँ से गुस्सा होकर वेनिस मतलब वहाँ से चले गए. वेनिस मतलब यहाँ डिसअपियर हो गए. कहाँ से? वहाँ से वो चले गए. एंड ही नाउ बिगन टू फील अ लिटिल सॉरी, अब उसको थोड़ा सर में भी महसूस हुई इसको जो बेगर है उसको. ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन, जो उसने जो ख़राब कर दिया ना उसके लिए वो ड्रंकन. परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है अनस्किल्ड जो या लो लेबर इन द कोल्ड. ठीक है. एंड आवर लेटर एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन कॉप. देख एक घंटे बाद फिर ओल्गा आई और उसने ये कहा. अनाउंस का मतलब उसने ये बोला आकर कि जो है वो जो लकड़ी थी वो सब काट दी गई है. किसको? सर्जरी एडवोकेट सर्जरी को आकर ऐसा ओल्गा ने बोला. ओके देखिए आगे होता क्या है. गुड गिव हिम हाफ रबल सेट सर्जरी. गुड गुड मतलब अच्छा उन्होंने कहा और उसको क्या कहा कि गिव हिम हाफ और रबल. हाफ और रबल मतलब एक रुपया होता है उसका आधा. आधा मतलब हम ये कह सकते हैं 50 पैसे. पैसे नहीं है यहाँ पर तो जो रशियन वो है वो कॉप्स है ना, तो 50 कॉप्स उसको दे दो ऐसा कहा इस सर्जरी ने इसको इनकी जो कुक है उसको. इफ़ ही वांट टू he can come back and cut wood on the first day of each month. तो प्रत्येक माह यदि वो चाहे तो वो यहाँ आ सकता है प्रत्येक माह के पहले दिन और यहाँ वो लकड़ी काट सकता है. We can always find work for him. ठीक है ये उनको उन्होंने कहा भी हम हमेशा तुम्हारे लिए काम भी ढूंढेंगे मतलब उसके लिए काम भी ढूंढेंगे ऐसा ओल्गा को उन्होंने कह दिया एडवोकेट सर्जन ने. ओके ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेब मैड, वेब मतलब लावारिस जिसको मैड हैज अपीयरेंस. वेब का मतलब हम यहाँ हिंदी में यह कहें तो लावारिस जिसको है ना कह सकते हैं. वेब मैड हैज अपीयरेंस फिर वापस आया एक महीने के जो उन्होंने कहा था ना द फर्स्ट ऑफ मंथ है ना, तो महीने के पहले दिन फिर आ गया. एंड अगेन ऑन हाफ रबल फिर उसने जो है आधा रुपया कह सकते हैं 50 कॉप्स. ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड है ना, अभी भी क्या कैसा बेयरली स्टैंड मतलब बड़ी मुश्किल से खड़ा रह सकता था वो ऐसा हो सकता था. ऑन हिज लेग उसके पांव पर बड़ी मुश्किल से खड़े रह पा रहा था. फ्रॉम दैट डे ऑन द ऑफन अपियर उस दिन से वो अक्सर इनके यहाँ में जो है आ जाता था इन द यार्ड. एंड एवरी ओके गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज. एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम नाउ ही वुड शोल स्नो नाउ पुट द बूट शर्ट इन ऑर्डर now
beat the dust out the out of rugs and mattress. तो अब क्या है कि वो आने लगा, इनके यहाँ काम करने लगा, जो वर्ब है उसको हटाने लगा, और भी दूसरे काम है जैसे कि वुड शेड में आने लगा. इन ऑर्डर नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस, रजाई और गद्दों की धूल झाड़ता. एवरी टाइम, हम यहाँ पर इसको काफ़ी बड़ा है इतना, इसको टू पार्ट में कर लेते हैं हम. तो एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉप, है ना, कॉप्स जो होते हैं ना पैसे. एंड वंस एवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वाज सेंट आउट टू हिम. देखिए यहाँ हम इसको समाप्त करते हैं, इसको टू पार्ट में कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है. तो ये फर्स्ट पार्ट में इतना कंप्लीट करा हमने, सेकंड पार्ट में इससे आगे करेंगे वैन सर्जरी से. ओके, तो हम यहाँ इसको स्टॉप करते हैं. आप इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, आई विल क्लियर योर डाउट्स. ओके गाइस, हैव अ नाइस डे.